दिख रहा है ना? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मीन के बारे में, आज हम लोग यूज करेंगे मीडियन। मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मीडियम में हम लोग सबसे पहले जो सीरीज हम लोग देखे थे कि इंडिविजुअल होता था, डिस्क्रीट होता था और कंटिन्यूअस होता था, वही तीनों सेम चीज इसमें भी होगा, बट उसमें हम लोग मैथड देखे थे, एक था डायरेक्ट मैथड, एक था शॉर्टकट मैथड, एक था स्टेप डेविएशन मैथड। तो हम लोग यहाँ पर मीडियन में सिर्फ एक ही टाइप का मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है? इसमें ये मीन में तीन मेथड होता था, मीडियन में सिर्फ एक ही मेथड है, उसी को फॉलो किया जाएगा। मीडियन क्या होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का बात क्या मतलब, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ग्रुप का बात हो रहा है। पहले हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे, फिर डिस्क्रीट और उसके बाद कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं, एज यू स्टडीड इन द क्लास 9th मीडियन of the central tendency which gives the value of the middle most observation of the data। ये क्या देता है, middle most जो सबसे बीच में होगा वो उसका आंसर देता है हमको। Recall to find the median ungrouped data। यहाँ क्या वर्ड है, ungrouped data। मगर हम लोगों को टॉपिक क्या नाम लिखा है, ग्रुप डेटा लिखा है। ungrouped data का मतलब हो गया ये इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल में क्या करेंगे, वी फर्स्ट अरेंज द डेटा values of the observation in ascending order। सबसे पहले इसको ascending order में arrange कर दिया जाएगा, उसके बाद निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई example तो नहीं दिया है, but हम यहाँ पे example एक दे देते हैं side में, यहाँ पे समझते हैं, ठीक। मान लेते हैं हम लोग के पास दिया गया है 3, 7, 11, 13, 16, 2, 5, 9, 7, 2, 3, कुछ भी ऐसा लिख दिया गया। तो हम लोग का काम ये होगा कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो नंबर सबसे छोटा है उसको पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पहले 2 है, तो 2, 2 पहले लिख लेंगे, फिर 3 दिख रहा है तो फिर 3 को लिख लेंगे, उसके बाद 2 का कहानी खत्म हो गया, 3 का खत्म हो गया, 5 दिख रहा है 5 लिखेंगे, 7 दिख रहा है 2 times 7 लिख देंगे, उसके बाद दिख रहा है 9 तो 9 को पहले लिखेंगे, फिर 11 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है और उसके बाद 16 दिख रहा है। ये कर लेने के बाद क्या बोला है यहाँ पे, अगर उसको अरेंज कर दिया जाए देन एन इज ऑड। एन इज ऑड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे काउंट करना है नंबर को कि ये कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 है, 10 क्या है, इवन नंबर है। और यहाँ बोल रहा है अगर ऑड होता, गलती से एक और नंबर यहाँ पर आ जाता, मान लेते हैं 20, तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया। तो ऑड बन जाएगा, तो ऑड के लिए यहाँ पे आंसर बोल रहा है, अगर ऑड होगा तो आंसर यूज करना है n प्लस 1/2, यानी कि जितना नंबर यहाँ पर आया है, कितना नंबर आया है यहाँ पे, 11 नंबर आया है, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। 6 नंबर में जो लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर में जो लिखा है वो हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पे उसी के बारे में बात किया गया। एंड अगर n इवन आता है तो दो आंसर होता है, एक होता है n by 2, एक होता है n by 2 plus 1, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का बात करते हैं इस वैल्यू पे, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 10 था, तो 10 बाई टू करते हैं, यानी कि फिफ्थ नंबर आता, तो फिफ्थ नंबर क्या मिलता, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिलता, 5 लिखते हैं, उसके बाद n प्लस 1 करना होता यानी कि 6, यानी कि आता 7। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, ये हम लोग का मीडियन हो जाता अगर ये इवन होता तो। मगर ये सब हम लोग को पहले पढ़ाया गया था, यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रीट सीरीज के बारे में दिख रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू x है समझ लो और दूसरा एक फ्रीक्वेंसी x और f दिया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, इसको फर्स्ट वी अरेंज द मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। बोला सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, 20 कितना है, 25 कितना है, 28, 29, 33, 38, 42, 43, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे लिखा हुआ है,
29, 28, फिर 33, 42, 38, 43, 25 अलग अलग है, इसीलिए हर बार हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्ट में भी क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे इनका वैल्यू 100 है, तो यहाँ एक टेबल बनाया गया, इसका नाम है सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ कैसे बनता है, जो पहला 20 दिया गया था 20 के लिए 6 लिखना है, मगर 20 से अप टू 25, 25 तक का बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे 20 उसके साथ। कौन सा 20, क्वेश्चन में लिखा गया था 20, वो वाला 20, ना कि अपने मन से कोई 20 ऐड करना है। देखो इसके ऊपर वाला में लिखा हुआ था, यहाँ पर यहाँ समझते हैं ऐसे, ये पहला वाला 6 लिखा जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, इसमें इस 20 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 50 हो जाएगा, 50। उसके बाद इस दोनों को ऐड करके 78, उसके बाद इस दोनों को ऐड करके और इस दोनों को ऐड करके, सब इस तरह से ऐड करके लिखते चलना है। यहाँ हम दिखाते रहे किस तरह से ऐड किया है, ये दिख रहा है यहाँ पर हम लोग सबको ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद काम क्या है, ये ऐड होने के बाद देखो यहाँ पर नाम दिया है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, दिख रहा है वर्ड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कैसे निकाला है ऐड करके एक दूसरे को ऐड कर करके यहाँ पे निकाला है। इसको निकाल लेने के बाद अब आता है फॉर्मूला में, क्या बोला है यहाँ पर, मीडियन इक्वल टू दिस, अब ये आया कहाँ से इसके बारे में पीछे बात करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग को इसको निकाला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये एन कितना है, 100 आया, ठीक है, तो 100 से प्लस 1 करके या 100 बाई 2 प्लस 1 कर दो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे निकलेगा हम लोग का 50 और 51, दो आ रहा है यहाँ पे क्योंकि 100 था ना, 100 में क्या होता है 100 इवन नंबर है, इवन नंबर में दो आंसर होगा, एक n बाई 2 और एक बाई n बाई 2 प्लस 1, तो 50 होगा और 50 प्लस 1 होगा, तो 50 जो आ रहा है 50 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 50, और 50 से ज़्यादा इसमें आ जा रहा है 51, इसमें आ जाएगा 78 है ना, तो 51 इसमें आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा हम लोग का, इस दोनों का जो भी वैल्यू आ रहा है 28 और 29 आ रहा है, चेक कर दो कहाँ पर 28 और 29 से देख लेते हैं, ठीक है कहाँ कहाँ 28 और 29 है, 28 और 29 ऊपर वाला में दिखेगा यहाँ पर 28 और 29 दिख रहा है, ये वाला है 28 और 29, इस दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये 50 वाला में 28 और ये 29, इन दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, जो एवरेज आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये सब पुराना चीज़ है, ठीक है ये सब पुराना चीज़ है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भेज देंगे तुमको, उसको देख लेना तो अच्छा से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ग्रुप्ड डेटा में दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस सीरीज है, यही है मेन कंटिन्यूअस सीरीज, इसी में फॉर्मूला याद करके रखना था। पहला है 0 to 10, 0 to 10 पूछेंगे कितना आदमी का 0 से 10 के बीच में मार्क्स आया, 5 आदमी खड़ा होगा, कितना का 10 से 20 में आया, 3 आदमी खड़ा होगा, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से सबको देख लिया। देखने के बाद हमसे पूछा गया मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट नंबर, तो मिडिल मोस्ट नंबर इसमें कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक नया कॉलम यहाँ पे बनाया जाएगा जिसका नाम लिखेंगे CF, जिसका नाम लिखेंगे हम लोग CF। देखो यहाँ पे एक CF बनाया होगा, देखो CF बना हुआ यहाँ पे 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53, ये सब क्या है CF है, जो बीच का कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाले वो। यहाँ कुछ लिखा है लेस देन लेस देन लेस देन, मतलब 10 से कम, 0 से 10 आया था ना ये, तो ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 था, ये 30 से 40 था, ये 40 से 50 था, मगर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ लिखे हैं हम लेस देन 10 का, मतलब ठीक है भाई 0 तक जाएगा, मगर लेस देन 20 का मतलब क्या होगा, ये भी 0 तक ही जाएगा, ये 0 से 20 बन गया, ये 0 से 30 बन गया, क्यों लेस देन 30 वर्ड यूज किया, इसका मतलब 30 से कम, कितना कम कहाँ तक जाएंगे, तो पहला वाला में जो बोला था एंड कहाँ तक हो रहा है 0 to 10 तक आ रहा है, तो 0 तक जाएंगे हर चीज में, ये भी 0 से 40 जाएगा, ये भी 0 से 50 जाएगा, ये भी 0 से 60 जाएगा, 0 से 70, 0 से 80, इस तरह से ये चलेगा। अब इसका काम क्या,
जब हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो हम पुराना वाला को ऐड करके निकाल रहे हैं, 5 + 3 = 8, यानी कि 0 to 10 जो था अब, और 10 से 20 जो था उस दोनों को मिला दिए, इसका मतलब है टोटल बन गया 0 से लेके 20। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेस देन वाला वर्ड यूज करते हैं। एक मोर देन भी आएगा जो हम दिखाएंगे आगे। फिलहाल ये टेबल बनाने के बाद काम क्या करेंगे इस टेबल का, इस टेबल में ये तो बस टेबल बना के छोड़ दिया लगता है। 0 to 10, 0, 0, 0, 53, ये रहा ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया, ये क्लास इंटरवल दिया गया था, ये हम लोग सी एफ लिखे हैं, ये है हम लोग का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको ऐड करके लाया गया। 5 का 5 पहला वाला का पहला, 5 और 3 = 8, 4 और 3 तो सॉरी 8 + 8 + 4 = 12, इस तरह से ये सीक्वेंस को लिख दिया गया है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, बट यहाँ एक वर्ड है मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास बोलते हैं जब हम लोग कोई सीरीज में, ये जैसे ये सीरीज था, ये सीरीज नहीं नीचे वाला सीरीज, ये सीरीज में, इसी सीरीज में सॉल्व होगा हम लोग का, इसको हटा रहे हैं, इसी सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला आया 53, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी इसका एडिशन जो होगा वो 53 आएगा। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे n/2, क्या निकालेंगे n/2। अब n/2 कितना होता है, 53/2 कर देंगे, n मतलब ये वाला लास्ट वाला नंबर जो है वो 53, तो 53/2, 53/2 कितना आ रहा है हम लोग के पास, 25 और 1 = 26, 26.5 आ रहा है। 26.5 इस CF में खोजना है कहाँ पर, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उससे ज़्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26.5 नहीं मिला, 29 मिला। अब जब 29 मिल रहा है तो 29 वाला में हम इसे सर्कल कर देंगे, ये हम लोग का बन जाएगा मीडियन क्लास। कैसे पता चला, 53 को आधा किए, n/2 करेंगे, जो भी आएगा वो हम लोग का मीडियन क्लास बनेगा। इसी में ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी f, इसी में पहला वाला को बोलते हैं L1, बीच वाला जो गैप है 10 का गैप आ रहा है जिसको आई बोलेंगे 10। अब देखते हैं क्या क्या का जरूरत था, नीचे में एक फॉर्मूला दिखाते हैं यहाँ पे जिसमें यूज किया गया था L, जो L1 हम लिखे वो L था, फिर लिखा गया n/2, अभी तो हम निकाल के दिखा n/2 क्या होता है, ये CF के बारे में नहीं बताए अभी बता देंगे, F के बारे में बता दिए और H के बारे में बता ही दिए हैं क्या क्या है। तो हो सकता है, क्या देखो यहाँ पर लिख के बताया है, एल मतलब लोएस्ट लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास हम लोग निकालते हैं मीडियन का क्लास जो निकाले थे, मीडियन क्लास का लोअर लेवल चेक कर लो, मीडियन क्लास का लोअर लेवल कहाँ था, मीडियन क्लास का लोअर लेवल यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, ये मीडियन क्लास का लोअर लेवल जो कि 60 है। ये जो भी निकाले हम लोग, ये क्या था हम लोग का n/2 से ज़्यादा था ना, तो n/2 तो यहाँ लिख दिए हैं, ये जस्ट ऊपर वाला n/2 के जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं CF, n/2 के जस्ट ऊपर वाले को CF, ये है फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहाँ देखें हम तो हमको सब कुछ, n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल, ठीक है जो 53 आया था वो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट उसके ऊपर वाला को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हम सर्कल किए थे टेबल वही टेबल है। h क्या है, हाइट ऑफ द क्लास जिसको i से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे सारा का वैल्यू लिखा है और यहाँ सॉल्व किया जा रहा है। l 60 था हम लोग का, जो क्लास था वो 60 से 270 था। CF कौन सा था, वो 29 के ऊपर वाला जो था वो CF था। n/2 तो 26.5 आया था, और h गैप कितना था, h मतलब i कितना का गैप था, 10 का गैप था, तो यहाँ 60 हो गया। ये टेबल में पुट कर दिए हैं फार्मूला में, ये देख लो ऊपर जो फार्मूला लिखा हो, n/2 CF और F इंटू h, ये वाला फार्मूला में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं, ये आ गया 66.4। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहाँ पर लेस देन 140 लिखा है, लेस देन 150, ये लेस 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 करके लिख दिया है, जबकि हम लोग जब टेबल अभी ऊपर में देख रहे थे तो उसमें भी लेस आ रहा था, तो लेस का मतलब क्या होता था, 0 तक चले जाते थे हम लोग, मगर यहाँ 0 तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि इसमें जो गैप देखा जाएगा सब में 5 का गैप है, इसका मतलब है 140 भी कहाँ तक गया होगा, 135 तक। तो यानी कि ये जो सीरीज बन के आएगा वो 140 से 140 145 तक जाएगा, इस तरह का ये सीरीज बन के आएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा 145 से 150,
इसका हो जाएगा 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, यहाँ तक तो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ये भी बदलेगा, कैसे बदलेगा, 4 तो 4 ठीक है, इसको इसके साथ माइनस करेंगे क्योंकि ये लेस देन 45 बोला, मतलब ये पूरा पीछे तक गया था, ये पूरा पीछे तक गया था, कहाँ तक गया था, ये गया था हम लोग का 135 तक, क्योंकि ये पहला वाला जो था 140 वाला, 140 वाला कहाँ तक जा रहा था, 135 तक, यानी कि लास्ट नंबर कहाँ है, 135 है, तो ये लेस देन 120 145 बोले, इसका मतलब ये भी क्या जा रहा होगा, 135 जा रहा होगा। ये हम टेबल बनाने के लिए, मतलब इसको जब माइनस करेंगे ना, तो उसके लिए ये टेबल का जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग को मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको माइनस करके हम लोग लिख रहे हैं, सबको ऊपर 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 माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा वो आंसर उसके नीचे में लिखाएगा, क्योंकि 4 तो फिक्स हो गया है, तो 4 4 फिक्स हो गया, इसका मतलब 11 में से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, किसके जगह पे लिखना होगा, 11 के जगह पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सबका निकाल निकाल के लिख देना है। अब लिखने के बाद एक टेबल बन के आएगा, ये देखो यहाँ पर टेबल बना दिया, बिलो 140 लिखा है, ये कहाँ बिलो 140 का मतलब 140 तक जा रहा है, मगर कितना दूर तक जाएगा, तो पीछे ही जाएगा, ठीक है। सब में देख लो पाँच 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 कम कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पीछे जा रहा था, पाँच का गैप था, इसीलिए पाँच कम करके लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल लिए कैसे, माइनस करके, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, माइनस करके निकाले, पहले वाला 4, 4 में से 11 में से 4 माइनस किया, फिर 29 में से 11, 40, 46 और 50। ये टेबल बनने के बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया है। अब चेक करना होता है कि ये जो सिग्मा एफ आएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगा, वो कितना आएगा, 51 आना चाहिए, अगर सही आ रहा है, ये दोनों वैल्यू अगर मैच कर रहा है, मतलब सही बना है। अब निकालने का काम क्या है, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को एन बाई टू का। अब एन बाई टू क्या होता है, 51/2 हो जाएगा, अब 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5, ये हम लोग का 51/2 हो गया। अब 25.1 चेक करेंगे कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा मतलब 29 में मिला, 29 में मिला तो ये हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी, और इसी सीरीज में आगे बढ़े तो ये हो जाएगा हम L1, और H या फिर I का वैल्यू 5 है। और क्या ज़रूरत है हम लोग को, हम लोग को ज़रूरत है CF का, तो CF जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं CF, चेक करते हैं, यहाँ लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिख दिया F का वैल्यू 18, H का वैल्यू 5, L का वैल्यू लोअर लिमिट, और ये 25.5, और एक आना था CF जो कि 11 आ रहा था, चेक कर लो CF क्या आ रहा है, 11 आ रहा है जस्ट ऊपर वाला। नेक्स्ट अब क्या है, अब फार्मूला में पुट करना है, ये फार्मूला है, यूजिंग दिस फार्मूला वैल्यू को पुट करना, कैलकुलेट करना है, कोशिश करना है यहाँ पर कि ये एलसीएम लेके नहीं बनाए, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दें और डायरेक्ट इसके साथ ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ लिख दिया मिसिंग है, एक्स गायब है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को मीडियन दिया होगा, देखो फॉलोइंग मीडियन, मीडियन दिया हुआ है, और एक्स प्लस, अच्छा वाई भी है यहाँ पर, वाई भी गायब है, और बोला है फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, यानी कि ये पूरा को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 100, जिसमें कि एक्स प्लस वाई तो रहेगा ही रहेगा और एक नंबर भी आएगा जिसको ऐड करने से 100 है। देखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे, कि इन सबको यहाँ पे 100 लिखते हैं, और 100 लिखने के बाद 100 प्लस, सॉरी 100/2 करना होता है, जो कि आ जाएगा 50, 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 चेक करना कहाँ आएगा, बिना सी एफ निकाले 50 कैसे चेक कर सकते हैं, सी एफ तो जरूरी ही निकालना, तो सी एफ निकालते हैं, देखो यहाँ पे सी एफ निकाला है, सी एफ निकाले कैसे निकालें, 2 का 2 लिखेंगे और 2 में 5 ऐड करके 7, 7 में x ऐड करके 7 प्लस x, 7 प्लस x में 12 ऐड करके ये लिखें, इसको फिर इसके ऐड के साथ ऐड करें, इसके साथ ऐड किए, सबको ऐड करके लिख दिए, मगर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सबका वैल्यू क्या है, 100 है, और यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। चेक कर दो, क्वेश्चन में लिखा गया था कि n का वैल्यू क्या है, 100 है, तो अब हम क्या बोले, जब 100 है इसका मतलब ये वैल्यू इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ लिख दिए इक्वल टू, और एक इक्वेशन बना दिए, इसको इक्वेशन 1 दे दिए, n1 लिखा। अब हम लोग को क्या पता करना है, ये 100 का आधा कितना होता है, 50, 100 का आधा कितना आया था, 50 आया था, तो 50 खोजेंगे, 50 कहाँ होगा, 50 दिख रहा है, एक यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो मीडियन का वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू लिखा हुआ था, कितना लिखा होता है, 525, शायद 525 लिखा हुआ था। अब खोजेंगे कि 500 किस में आ रहा है, 525 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का क्या है, मीडियन का क्लास है, ये मीडियन क्लास है। अब हम लोग को साफ साफ पता चल गया मीडियन क्लास कौन सा है और कैसे निकालना होता है, क्वेश्चन में जो मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा उसी को देखते हुए कि वो किससे लाई कर रहा है, किसके साथ में आ रहा है, किसकी जगह पे आ रहा है,
तो उसको हम लोग बोल देंगे मीडियम क्लास। मतलब ये हम लोग का हो जाएगा n बाई 2, तो ऐसे 50 ही लिखेंगे, जस्ट ऊपर वाला को लिख देंगे सी एफ, n बाई 2 को 50 ही यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं एल का वैल्यू, एफ का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू और एच का वैल्यू दे दिया गया है। मीडियन में एल का वैल्यू लिखना है जो कि 500 है, और ये है मीडियन, मीडियन का वैल्यू यहाँ लिख दिए, एन बाई 2 50 है, सी एफ 36 माइनस एक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर 50 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बट 50 लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, देख लेना है कोई गायब तो नहीं हो रहा है ना। ओ सॉरी, ये n बाई 2 तो 50 ही लिखा है, सी एफ का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू यहाँ लिखा होता ना, तो यहाँ सी एफ का वैल्यू लिखा हुआ, ये 36। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि बाहर में एक माइनस लिखा हुआ था, इसीलिए माइनस अंदर हो गया, तो -36 माइनस एक्स हो गया। इंटू 100 कर दिए, 20 कर दिए, सॉल्व करके एक्स निकाल लिए, एक्स निकाल लिए तो इक्वेशन 1 में पुट करके हम वाई भी निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 लिखा गया था। तो हम लोग क्या किए, एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया है 9, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 9 कर देंगे 15, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आ गया 15। ये था हम लोग का मिसिंग वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, 3 मीडियन 2 मोड और 2 मीन, ये एक फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि मीन मीडियन और मॉड में के बीच में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन है। ये याद रखना है कि 3 मीडियन, 3 मीडियन मॉड को जेड से डिनोट करते हैं, और 2 मीन यानी कि 2x बार, ये इस तरह का फॉर्म होता है, या तो वर्ड में लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखते हैं, यही समझ। तो ये था हम लोग का मीडियन, और ये रहा मीडियन का एक्सरसाइज। क्या है, पहला वाला तो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे सब चीज़ हम लोग को ग्रुप्ड डेटा में देगा, अनग्रुप्ड डेटा नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा 9th क्लास के लिए था। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ दिया गया है, पहले हम लोग को निकाल देना होगा सी एफ, सी एफ निकालने के बाद चेक करना है कि इसका जो सिग्मा एफ है वो यहाँ के साथ मैच करना चाहिए। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हम लोग का मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी, या फिर सी एफ भी पूरा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एफ और ब्रैकेट के साथ इनटू में एच या फिर आई लिखो, हाइट लिखो या फिर इंटरवल लिखो, दोनों बात बराबर है। ये फार्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है सारा क्वेश्चन में। देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स और वाई गायब है, जो भी क्वेश्चन की वही सेम क्वेश्चन है, छोटा नंबर दिया गया है, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट बिलो लिखा है, बिलो लिखा है इसका मतलब छोटा है, 20 से कम, 20 से कम है, तो कितना कम होगा, 5-5 का गैप आ रहा है, तो इसको हम ऐसे बिलो 20 भी लिख सकते हैं, इसको मगर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 से लेके 25, जब चेंज करेंगे, जब माइनस करके लिखेंगे इसको। पहला वाला तो 2 लिखाएगा, दूसरा वाला लिखाएगा 4, तीसरा वाला लिखाएगा 18, जब हम माइनस करके लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ेंगे, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे ही इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें कौन सा ये वाला, ये वाला में आप जैसे हम लोग सीएफ निकालते हैं तो ऐड करते हुए निकालते हैं, तो यहाँ पे माइनस करके निकाल रहे हैं, तो सही, पहला वाला एज इट इज रह जाएगा, पहला वाला को एज इट इज रखना है। ठीक है, और माइनस हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, इसमें कभी भी नेगेटिव आने लगा तो समझ जाना मतलब यहाँ से माइनस करने का रीजन ये जो दिया वो सीएफ, ये जो दिया हुआ है ना, बिलो 25 बोला, एक रेंज तो नहीं दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, बिलो बोल दिया, कितना दूर तक जाएगा ये नहीं पता है। तो हम पुराना वाला जैसे एक लाइन समझ लो, यहाँ पे ये इतना बड़ा लाइन है, हम बोले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब इसमें से अगर हम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ इतना पार्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, पहला वाला को छोड़ दो, पहला वाला तो बिलो 20 बोला, मतलब कहाँ कितना तक जाएगा वो नहीं पता है, मगर बिलो 25 बोला, इसका मतलब है कि बिलो 20 वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 तक का है, बिलो 20 अगर हटा दे, ये वाला चीज़ को हटा दे, तो क्या बचेगा, 20 से लेके 25 के बीच का वैल्यू बचेगा। ये वाला ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को दिया हुआ है जहां माइनस कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि ये वाला सीएफ दिया हुआ है, ये वाला हाँ एज अ सी एफ है, ये
सीएफ दो तरह का हो कैसे सकता है, पता चलेगा सर कि इंक्रीज हम कर ये रहा है, सीएफ इंक्रीज भी कर रहा है है, इंक्रीज कर रहा है, देखो 2, 6, 24 इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा घटेगा अच्छा। बढ़ेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी घट पड़ सकता है, मगर जब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है इसका मतलब है वो सीएफ दिया गया है। एक और होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते रहता है, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे आगे क्वेश्चन होगा लेस देन वाला, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं है, हम अलग से एक क्वेश्चन भेज देंगे लेस देन वाला, उस क्वेश्चन में क्या रहता है, ये जैसे बिलो लिखा हुआ ना, जैसे ये सॉरी मोर देन वाला, ये जैसे लेस लिखा हुआ है ना ऐसी मोर लिखा रहेगा, बोलेगा मोर देन 20, मोर देन 30 ऐसे लिखा रहेगा हाँ नीचे ऊपर एक से, क्वेश्चन देखे है, तो मोर ऊपर देन एक वाला है रहेगा। देखे है। वो तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ था ना हाँ एग्जाम्पल में ये वाला देखिए। हाँ मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 53 ऊपर दिया हुआ है, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा, तो ये पूरा सीरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये पूरा सीरीज मतलब 0 से लेके जितना दूर तक जा रहा है उतना दूर तक, कहाँ तक जा रहा है 90 तक जा रहा है, तो 0 से 90 तक का पूरा वैल्यू दिया हुआ ये 53, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको कम ओके करना चालू करेंगे, नीचे चेक कर लो मोर देन 90, 90 से तो 90 से 80 तक का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा इसका क्वेश्चन होगा ऊपर में, क्वेश्चन है इसका ऊपर नहीं, ये तो बस ऐसे ही समझाया है ना, क्वेश्चन नहीं दिया इसमें, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है हम एक क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है देख लेना उसको, मोर देन वाला, मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन देख लेना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ऐसा मतलब उससे क्वेश्चन समझना है ये सीएफ है कि और फिर एफ, एफ निकालना हाँ होगा। एफ निकालना होगा, ऐसे सीएफ का ही जरूरत पड़ता है, बट तुमको जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूला को चेक करने के लिए, ये जो फार्मूला है ना ये फार्मूला में चाहिए हम लोग को एफ, इसके चक्कर में हम लोग को सिर्फ निकालना पड़ता है, नहीं तो नहीं निकालेंगे, सीएफ दिया रहेगा सीएफ से ही बना लेंगे, ठीक है। हम एक वीडियो भेज देंगे जिसमें सी एफ के बारे में और एफ के बारे में अच्छा से, ये मोर देन वाला जो कंसेप्ट है ना बस यही समझना है, मोर देन वाला और लेस देन वाला, मोर देन और लेस देन वाला कंसेप्ट के लिए देखना है, ठीक है। हम भेजेंगे एक वीडियो देख लेना है उसको, ठीक है चल ये हो गया, यहाँ पे मीडियन का कहानी खत्म हो गया है, बच गया है मॉड, हाँ मॉड को अब कल बता देंगे, मॉड नहीं है क्या इसमें, ओ मॉड नहीं दिया हुआ, मोड तो इससे पहले वाला एक्सरसाइज था 13.2 13.2 ये कौन सा, 13.3 था, 13.2 रेट। वो हम लोग मीडियन से डायरेक्ट चालू कर दिए, मॉड छोड़ दिए ऊपर वाला, हाँ तो ठीक है कोई नहीं कल मॉड बता देंगे इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कल सर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिल्कुल भी, मेरे को समय नहीं हो गया सर, तो अच्छा आज इन दोनों बनाने का कोशिश कर। ठीक है ट्राई कर लो, हम एक वीडियो भेज देते हैं, अगर उससे हो जाएगा तो मॉड को छोड़ देंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर मॉड को एक बार बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ 13.1 का 7 नंबर, उसमें कितना आंसर आ रहा है, मतलब कितना आंसर आ रहा है, नाइन हाँ कितना आंसर आ रहा है, बस दो डिजिट लेना कितना है, 8.67 कर दो, बार अच्छा ये भी 12,000 लिखा हुआ नीचे में भी, एक बार हमको नहीं, ठीक है हमको एक बार फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है देख के बता देते हैं, ठीक है रहने दो, इसको देख लेना ट्राई कर लेना, ठीक है।